है। सो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं कौन किस मोशन को हम SHM कहते हैं, तो बेटा अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट टाइम पीरियड, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट टाइम पीरियड अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये जितना जा रहा है पहले साइकिल में, दूसरे साइकिल में भी इतना ही ऊपर जा रहा है, तीसरे साइकिल में भी इतना ही ऊपर जा रहा है, चौथे साइकिल में भी इतना ही ऊपर जा रहा है, और डेफिनेट टाइम पीरियड है हर साइकिल के लिए। अगर टाइम पीरियड सेम है, एम्पलीट्यूड डेफिनेट है, इन सच ए सिचुएशन वी से दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। आप समझ आया सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने किस चीज को कहा है यहां पे? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक सा था। फिर हमने इस चैप्टर में, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे डिस्कस करता हूं बाकी सब चीजें, इस चैप्टर में इसको अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करेंगे। पूरे चैप्टर का फ्लो ऐसा रहेगा कि हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। पहली डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में दे चुका हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किस तरह के मोशन को बोलेंगे, कोई भी ऐसा मोशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ओनली, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। एक ऐसा मोशन, देखो मैथमेटिक्स हमारे लिए एक टूल है, हम जानते हैं हर तरह की शेप के लिए एक इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की अपनी इक्वेशन है, सर्कल की अपनी इक्वेशन है, पैराबोला की अपनी इक्वेशन है, तो हर तरह की शेप के लिए अपनी एक फिक्स्ड इक्वेशन है। वैसे हर तरह के मोशन की भी एक अपनी इक्वेशन होगी। आपको याद होगा काइनेमेटिक्स में हम जब पढ़ते थे आपको पोजीशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशंस दी जाती थी, कई बार आपको इक्वेशन दे दी जाती थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 2t² + 3t + 1, ये बॉडी के मोशन के लिए एक इक्वेशन है। यहां पे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, एक्स जो है पोजीशन वो डिपेंडेंट फंक्शन है। तो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि अगर टाइम की वैल्यू आप 0 सेकंड पुट करोगे तो बॉडी कहां पे होगी, टी की वैल्यू 0 सेकंड पुट करोगे तो बॉडी 1 मीटर पे होगी, टाइम की वैल्यू अगर आप 1 सेकंड पुट करते हो तो ये बॉडी 6 मीटर पे होगी, टाइम की वैल्यू अगर आप 2 सेकंड पुट करते हो तो ये बॉडी 2 × 2² दैट इज 8 + 3 × 2, 8 + 6 14 + 1, तो इस टाइम पे ये 15 मीटर पोजीशन पे होगी। तो बॉडी कहां ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक इक्वेशन फ्रेम किया, समझे ना। तो मोशन को हम इक्वेशन के टर्म्स में समझा सकते हैं। और जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, मैंने आपसे ये बताया था कि अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन हो और इस एक्सप्रेशन की डिग्री को देख के आप बता सकते हैं किस तरह का मोशन होगा, अगर तो डिग्री जीरो है, डिग्री जीरो है मतलब टी की हाईएस्ट पावर जीरो है, डिग्री जीरो होने का मतलब मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, इसमें टी है ही नहीं, तो मतलब टी की डिग्री जीरो, टी की हाईएस्ट पावर जीरो है, इस इक्वेशन की डिग्री जीरो है। और एक दूसरी इक्वेशन लेता हूं जिसमें डिग्री 1 होगी, जैसे इट इज इक्वल टू 5t + 7 मीटर, इसमें टी की हाईएस्ट पावर 1 है। एक और इक्वेशन लेते हैं जिसमें डिग्री 2 है, एक्स इज इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखी है ये भी तो वही है, 2t² + 3t + 1। फिर वहां पर मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन की डिग्री 0 होगी तो मतलब बॉडी में मोशन है ही नहीं, रेस्ट है। अगर डिग्री 1 होगी तो ये मोशन किस तरह का मोशन होगा, यूनिफॉर्म नेचर का मोशन होगा। अगर डिग्री 1 से ज्यादा होगी मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और अगर डिग्री एग्जैक्टली 2 है तो नॉन यूनिफॉर्म में भी कौन सी कैटेगरी, नॉन यूनिफॉर्म में भी कौन सी कैटेगरी होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। याद आई ये चीजें आपको? यस सर। यस, सबको याद आया ना। तो हर तरह के मोशन की इक्वेशन है हमारे पास, तो वही चीज हम SHM के लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा मोशन है जिसकी इक्वेशन जब हम बनाए, जब हम इसकी इक्वेशन लिखें, अगर कोई बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है, तो उसके मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें एक्स या वाई कुछ भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंट, तो ये इक्वेशन जो है पोजिशन वाली जो इक्वेशन है ये एक हार्मोनिक फंक्शन के टर्म्स में होगी। एनी मोशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ओनली, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ओनली।
अगर ऐसा कोई मोशन है जिसको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन को यूज करते हो, तो पक्की बात है उसका मोशन कैसा होगा, एस एच एम। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? यस। अब बात कर रहे हैं यहां पे हार्मोनिक फंक्शन की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ हार्मोनिक फंक्शन, कौन बताएगा? व्हाट्स अ हार्मोनिक फंक्शन चित्रेश बेटा, आप बताओ। सर जो फंक्शन पीरियोडिक भी होता है और बाउंडेड भी होता है। वेरी गुड। तो बाकी लोग क्यों नहीं बता पा रहे थे? ये वीडियो में था अ फंक्शन विच इज पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड। अब सवाल ये आ गया कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। एक ऐसा फंक्शन जैसे एक्स टी का फंक्शन है, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप टी की वैल्यू बदलते जाओ, थोड़ी देर के बाद एक्स की वापस वही वैल्यू आ जाए जो पहले आपने देखी थी। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलते जाएं, बदलते बदलते जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेन फंक्शन है, सब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू अगर वापस रिपीट हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। अब पीरियोडिक फंक्शन कौन से हैं? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। क्यों पीरियोडिक इन नेचर है? देखो, एक प्लेन में 360 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। अगर 30 डिग्री की बात करूं तो देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। लेकिन अगर मैं बोलूं साइन 390 डिग्री, साइन 390 डिग्री, तो वो भी 1/2 होगा। कैसे? यहां से अगर आप चलें घूमते हुए, जब आप यहां से लेके यहां तक आ गए तो कितना एंगल हो गया, 360, और ऊपर जाओ 30 और ऊपर जाओ तो कितना हो गया, 390 डिग्री हो गया। तो 390 डिग्री एंगल वहीं पे आ रहा है जहां 30 डिग्री एंगल था, तो इसके लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर होंगी। इसका मतलब फंक्शन है मेरे पास fx, यस गुड, sin x, तो x की वैल्यू को मैं बढ़ाता जाऊं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जो 30 डिग्री पे वैल्यू आ रही थी 390 डिग्री पे फिर वही आएगी, फिर 360 ऐड करूं फिर वही वैल्यू रिपीट होगी। हर बार 360 डिग्री वैल्यू ऐड करने पे सेम वैल्यू रिपीट हो रही होगी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। तो समझ आया सबको पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? किसी को डाउट को तो पूछ लो बेटा। लेकिन यहां तो हमने बात की हार्मोनिक फंक्शन की। हार्मोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड ऑल्सो। नो, पीरियोडिक तो है, बाउंडेड का मतलब क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू पे बाउंड्रीज हो, ना तो किसी एक लिमिट से ज्यादा वैल्यू हो ना उस लिमिट से कम वैल्यू हो। अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, साइन थीटा वर्सेस थीटा, तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, इसकी पीक वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होगी, साइन 180 पे वापस 0 होगा, साइन 270 डिग्री पे -1 हो जाता है, फिर साइन 360 डिग्री पे वापस 0। तो साइन फंक्शन का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये ऐसे आगे चलता रहेगा। अगर यहीं पे मैं आपके सामने कॉस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं कॉस थीटा का ग्रीन कलर से, तो कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 हो जाता है, फिर कॉस 180 पे -1 हो जाता है। तो ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो कॉस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। अब दोनों ग्राफ में अगर आप देखो, सॉरी, यहां पे पीक आएगी, ये यहां आके नीचे आएगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस में देखो ऊपर और नीचे लिमिट सेट हो गई है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में रहती है, इससे बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसे फंक्शन बाउंडेड है, बाउंड्रीज है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो अब हार्मोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड। तो बेटा पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड सिर्फ दो ही फंक्शन हैं, वो हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा मोशन जिसको आप अकेले साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको, अकेला साइन या कॉस फंक्शन इस्तेमाल करके, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल सच अ मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट क्लियर? ओके,
अब हम अपने सामने एक बॉडी को इमेजिन करते हैं जो वाइब्रेट कर रही है किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो क्या आप सबको पता है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? यस सर, सर जहां पे सर जो बॉडी है सर वो रेस्ट पे होती है? नहीं, रेस्ट पे नहीं होती, नेट फोर्स जीरो लग रही है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब पेंडुलम अगर आप ऑसिलेट करवाते हैं तो जब तक आपने ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं की थी, अगर आप पेंडुलम को वैसे ही छोड़ दें तो ये पेंडुलम इस तरीके से रेस्ट कर रहा होगा बिल्कुल वर्टिकल। यस नो? तो ये वाली जो पोजीशन है ये मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है पक्की बात है उस पर नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, और नेट टॉर्क भी जीरो है इसका मतलब रोटेटरी, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। जब आपने इसको डिस्टर्ब किया थोड़ा यहां तक लेकर आए, अब जैसे ही आपने छोड़ा यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी, यहां तक आते इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी बहुत हाई होगी। अब इतनी हाई होगी कि ये रुक नहीं पाया बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो मीन पोजीशन को ओवरशूट करके उस साइड चला गया। बट अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने इसके मोशन को अपोज किया, तो यहां पे आके फिर वेलोसिटी जीरो होगी, फिर इसने डायरेक्शन रिवर्स की। तो ये जो दोनों पोजीशंस हैं इनको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस ये वाली, ये और ये, और यहां पे इस केस में ये और ये पोजीशन कौन सी है? एक्सट्रीम पोजीशंस। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन समझ आ गया? यस सर। अब हमें हमारा पार्टिकल एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी ऊपर दिखता है कभी नीचे जाता है। तो अगर ये y एक्सिस है, मान लीजिए यहां डिस्प्लेसमेंट को y के लॉन्ग, x के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग भी शो करो, तो जो मीन पोजीशन है उसको अक्सर हम जीरो पोजीशन या ओरिजिन लेते हैं। तो अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, जब ये यहां पहुंचा इस जगह पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग है, थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंच गया, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग है, थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगातार बदलती रहती है। यहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही थी जब ये मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा था, ये यहां पहुंचा, फिर इसने यहां से वापस आना स्टार्ट किया नीचे की ओर, अब डिस्प्लेसमेंट कम हो रही थी, वापस मीन पोजीशन पे आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अब ये मीन पोजीशन से नीचे की ओर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर वहां से वापस आया, डिस्प्लेसमेंट कम होते हुए फिर से जीरो हो गई। तो हमने इसको बोला इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी ऐसा कहो, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी ऐसा कहो, या ऐसा बोलो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकिल वर्ड मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पे भी एप्लीकेबल है और वाइब्रेटरी मोशन पे भी। ठीक है, तो ये चीज समझ आई सबको? यस सर। नाउ टेल मी व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई, जैसे y डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर वाली साइड प्लस है और नीचे वाली साइड भी इतना ही जाएगा माइनस है, तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। तो एम्पलीट्यूड सबको पता चल गया, इट इज पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन। पीक डिस्प्लेसमेंट कहो या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? डू यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड? The number of cycles in 1 minute. Now, time taken to complete one cycle. वो frequency है जो आप बोल रहे हैं, that is frequency. Frequency को हम न्यू से भी denote करते हैं और कभी कभी कुछ books में f से भी denote किया होता, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो time period क्या होता है? It is, कौन बताएगा? आप दोबारा बोलो, what is time period? The time taken to complete one revolution or one cycle. हाँ, one revolution को circular motion में, और यहां पे वन वाइब्रेशन को हो, वन ऑसिलेशन को हो, या वन साइकिल वर्ड आप दोनों मोशन के लिए यूज कर सकते हैं, सर्कुलर के लिए भी और वाइब्रेटरी के लिए भी। दोनों पीरियोडिक मोशंस है, सर्कुलर और वाइब्रेटरी। यहां बॉडी की पोजीशन बार बार रिपीट होती है। समझ आ गई ये बात? यस यस सर। अब बेटा अगर सर्कुलर मोशन है, हम सर्कुलर मोशन में कब बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हुआ? बॉडी फिलहाल पोजीशन ए पे है, चलते चलते घूमते घूमते ये वापस जब ए पे पहुंची, टाइम जीरो पे जर्नी शुरू की थी तो टाइम कैपिटल टी पे पहुंची,
मतलब जब वापस ए पे पहुंची तो हमने बोला एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल क्या है, व्हेन पोजीशन इज रिपीटेड, व्हेन पोजीशन इज रिपीटेड, जब पोजीशन वापस, पहले पोजीशन ए पे थी, जब वापस पोजीशन ए पे आ गई तो हमने बोला एक साइकिल कंप्लीट हो गया। या कोई दूसरी पोजीशन बी लू, बी से चलना शुरू किया, जब वापस बी पे पहुंचोगे तो हमने बोला एक साइकिल पूरा हो गया। समझ आ गई ये बात, सर्कुलर में एक साइकिल क्या है? Yes, sir. लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में, वाइब्रेटरी मोशन में एक साइकिल हम किसको कहेंगे? इसमें सिर्फ पोजीशन नहीं, वाइब्रेटरी साइकिल किसको कहेंगे? वाइब्रेटरी साइकिल होगा इसमें पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिपीटेड, पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो रिपीटेड, पोजीशन भी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी, दोनों चीजें रिपीट हुई। मान लीजिए ये पार्टिकल यहां था, ये एक्सट्रीम की ओर जा रहा था, बीच में ये पोजीशन है ए, अभी ये ए से चला, थोड़ी देर पे घूम के वापिस ए पे पहुंच गया, तो पोजीशन तो रिपीट होगी, वापिस ए पोजीशन पे आ गया कि नहीं? तो क्या एक साइकिल कंप्लीट हो गया बस यहां से लेके यहां तक आने में एक साइकिल कंप्लीट हो गया? नो सर। तो फर्क क्या है, पहले जब इसने पोजीशन ए को क्रॉस किया तो इसके मोशन की डायरेक्शन थी अपवर्ड, अब की बार जब ये पोजीशन ए को क्रॉस कर रहा है तो इसके मोशन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, तो अभी एक साइकिल पूरा नहीं हुआ। दोबारा जब ये पोजीशन ए को क्रॉस करेगा इन द सेम डायरेक्शन, पिछली बार इसने ए को क्रॉस किया नीचे से ऊपर जाते हुए, तो ये यहां से ए से ऊपर गया, फिर यहां से इधर आया, फिर इधर से घूम के जब वापस यहां पहुंचा, तो तब जाके हमने बोला इसका एक साइकिल पूरा हुआ। ये नहीं सोचना कि ये पाथ इसका सर्कुलर है, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं, पाथ तो इसका स्ट्रेट लाइन ही है। समझ आई ये बात आपको? यस। ठीक है, तो नो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने के टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट। हाँ, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर यूनिट टाइम को हो या पर सेकेंड कह लो, पर यूनिट टाइम, क्योंकि सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई हो सीजीएस हो, टाइम की यूनिट तो सेकेंड ही रहती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या कोई रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड। सेम रिलेशन आपने सर्कुलर मोशन में भी यूज किया था। अच्छा, यहां पर एक और चीज है ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। अगर सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे होंगे तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप वाइब्रेटरी मोशन स्टडी कर रहे हैं तो यहां पर ओमेगा क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन फॉर्मूला सेम है, क्या आप ओमेगा और न्यू के बीच का रिलेशन जानते हैं? 2 pi nu या 2 pi upon capital T। ठीक है, ये relation circular motion में भी applicable हैं और vibratory में भी, सिर्फ फरक है, फरक किस चीज का है? यहां पे vibratory motion में इसको हम angular frequency नाम दे रहे हैं, वहां पे हम उसको angular velocity, क्योंकि वहां पे सचमुच angular displacement हो रही थी, angular displacement हो रही थी कुछ ना कुछ theta, यहां angular displacement तो हो ही नहीं रही, body तो straight line में जा रही है, इसलिए इसको हम एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहेंगे। हां, वहां पर भी ओमेगा क्या था? डी थीटा बाय डीटी, या अगर यूनिफॉर्म रेट है तो हम इसको थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हैं, अगर थीटा 2 पाई हुआ तो उसी टाइम को कैपिटल टी कहेंगे, ये रिलेशन हमारा वहीं से आया था। ठीक है, तो यहां पर भी ओमेगा जो है डायमेंशनली सेम है, ये फिर से डी थीटा बाय डीटी है या थीटा अपॉन टी कह लो, लेकिन यहां पर ये थीटा क्या चीज है? वहां पे तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी ना, यहां पे थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब की बार थीटा क्या होगा ये बताओ? फेज एंगल। वेरी गुड, तो सबको फेज एंगल समझ आ गया? यस सर। जैसे वहां फुल साइकिल में 360 डिग्री की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती थी, हमने कहा जी यहां भी फुल साइकिल को एंगल असाइन करते हैं। तो मान लो टाइम जीरो पे बॉडी ने यहां से जर्नी शुरू की, यहां फेज एंगल जीरो, जब पूरा साइकिल कंप्लीट होकर वापस आए तो फेज एंगल हो गया 360 डिग्री, चार स्टेप्स में कवर किया, तो यहां 90, यहां 180, यहां 270
और जब वापस मीन पोजीशन पर पहुंचा तो 360। दिस इज कॉल्ड एज फेज एंगल। अगर कोई आपसे कहे कि बेटा फेज एंगल को डिफाइन कीजिए, तो हाउ विल यू डिफाइन फेज एंगल? इट्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फेज एंगल इज अ क्वांटिटी इन वाइब्रेटरी मोशन या SHM दैट गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन। फेज एंगल आपको दो इंफॉर्मेशन देता है। फेज हमेशा एंगल के टर्म्स में मेजर किया जाता है, कभी कभी इनडायरेक्टली एज अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड भी बता देता है। मान लो कोई कह रहा था टी बाय फोर का फेज डिफरेंस, तो आप समझो टी बाय फोर मतलब 1/4 ऑफ अ साइकिल। फुल साइकिल में फेज एंगल कितना होगा? 2π/4, यानी कि π/2 रेडियन की बात हो रही है। तो आइडियली ये एंगल होता है। सो ये हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस टू इंफॉर्मेशन। क्या? इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अगर मैं आपको बोल दूं फेज एंगल एंड 90 डिग्री, तो आप समझ जाओगे पार्टिकल कहां है, पहले एक्सट्रीम पे। यस सर। अगर बोल दूं 270 डिग्री, तो आप समझ जाओगे दूसरे एक्सट्रीम पे है। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो फेज एंगल अच्छे से दिमाग में बैठ गया सबके? ओके, तो ये बेसिक टर्म्स अब आपको क्लियर हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया था? हमने ये डिस्कस किया था जनरल इक्वेशन सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के टर्म्स में। तो ये मोशन होगा, तो ये इसकी इक्वेशन कैसी हो सकती है? वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, लेकिन थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। या तो इस तरह की इक्वेशन हो सकती है, या इस तरह की इक्वेशन हो वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? SHM। ठीक है, याद है? तो यहाँ पे भी तो एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव में हो सकता है ना? एम्पलीट्यूड बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ऑब्वियस ही बात है, अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो उसको पॉजिटिव साइड भी जाना और नेगेटिव साइड भी जाना है। ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस वो पॉजिटिव साइड गई और कितना नेगेटिव साइड गई, जो एम्पलीट्यूड है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। एम्पलीट्यूड इज जस्ट ए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। वाई अकेम्बा ब्रैकेट में टी लिखा होता है, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो अब हमारा पार्टिकल जो है वो एक जगह पर टिकता नहीं है। देखो मान लो आपको किसी के घर जाना हो, किसी का घर लोकेट करना हो, तो आपको क्या चाहिए? हाउस नंबर। या किसी से कांटेक्ट करना हो तो आपको क्या चाहिए? उसका फोन नंबर। या आप स्कूल के अंदर किसी पर्टिकुलर लेक्चर में, किसी पीरियड में आप किसी टीचर को लोकेट करना चाहते हैं, तो आपको टीचर कहां मिलेगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए? टाइम टेबल, है ना? यस सर। यस सर। तो हमारा पार्टिकल किस वक्त पे कहां पे है, इसको लोकेट करना है। इसको लोकेट करने के लिए इसका एड्रेस ये कोडेड फॉर्म में गिवन है। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पार्टिकल का एड्रेस है। अगर कोई आपसे पूछता कि भैया बताओ 2 सेकंड पे पार्टिकल कहां, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो इसमें। अगर कोई पूछता कि 2.7 सेकंड पे पार्टिकल कहां है, तो टाइम की वैल्यू 2.7 पुट कर दो। कभी ये मीन पोजिशन से ऊपर होगा, कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी। तो कहां है पार्टिकल, उसका एड्रेस है ये इक्वेशन। और मैंने इसके बेसिस पे आपको वहां पे ग्राफ बना के भी दिखाए थे, वो ग्राफ याद है? यस सर। तो वो कंसेप्ट क्लियर है आपको? जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं बेटा टाइम है जी जीरो, टाइम जीरो है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? जीरो, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। अगर मैं बोलू टाइम है कैपिटल टी बाय फोर, तो वाई की वैल्यू होगी ए साइन ओमेगा into capital T by 4, isn't it so? यही होगा? Yes, sir. तो अगर मैं ओमेगा को अगर यहां पर ओमेगा को मैं इस फॉर्म में लिखूं, ओमेगा को 2π/T भी लिख सकते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था, TT कैंसल आउट हो गया 2, तो sin π/2 इज 1, sin 90। yes, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस a। फिर वैसे ही अगर आपने टाइम यहां रखा होता t by 2,
तो वाई की वैल्यू फिर से जीरो आ जाती है, क्योंकि यहां अगर टू होता तो टू टू कैंसिल हो जाता है, साइन पाई इज अगेन जीरो। अगर यहां मैं टाइम की वैल्यू रखू 3t/4 तो y की वैल्यू आएगी a साइन, अगर यहां 3t/4 होता तो इनटू 3 मतलब 3π/2 270 डिग्री, तो साइन 3π/2 -1 होता है, तो यहां पे y की वैल्यू अपने आप -1 आ गई। तो ये इंस्टेंटेनियस, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है y क्या बता रहा है, ये आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, किसी टाइम t पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मीन पोजीशन से ऊपर है नीचे है कितना है। देखो यहां वैल्यू माइनस ए आ गई, मतलब टाइम 3t/4 पे ये माइनस ए पे है, ओरिजिन से कितना नीचे है, ए नीचे है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेशन अपने आप आपको बता देगी ये कहां जा रहा है, ये पॉजिटिव साइड भी जाएगा पार्टिकल, नेगेटिव साइड भी जाएगा, इक्वेशन वही इंफॉर्मेशन दे रही है। समझ आ रही है बात? टाइम कैपिटल टी लेते तो ये 2π/T × T करते तो कैपिटल टी कैंसिल आउट होता, साइन 2π भी कितना होता है जीरो, तो फिर से पोजीशन की जीरो। तो आपको समझ आ गया कि पार्टिकल टाइम जीरो पे कहां था, मीन पोजीशन पे था, टाइम t/4 पे एक्सट्रीम पे था प्लस ए पे, टाइम t/2 पे उसको क्रॉस करके यहां से घूम के वापस यहां आ चुका था, टाइम 3t/4 में ऊपर गया इधर आया और अब दूसरे एक्सट्रीम पे है, और टाइम कैपिटल टी पे ये वापस पूरा साइकिल कंप्लीट करके फिर से यहां पहुंच चुका है। तो इक्वेशन ने ये सारी इंफॉर्मेशन दी ना आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा अब समझ आ गया ना किस तरह की इक्वेशन होगी SHM की? यस सर। अब अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, चाहे इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाते हैं, फिलहाल मैं इसी की बात करता हूं, तो इक्वेशन में से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है? जो साइन या कॉस फंक्शन का कॉफिशियंट है दैट इज एम्पलीट्यूड, तो आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी। यस। इंस्टेंटेनियस फेज एंगल, जो पूरा का पूरा एंगल वाला पार्ट है दैट इज इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। और मजे की बात यह, अगर आप ध्यान दें, इंस्टेंटेनियस फेज जो है, फेज इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, क्योंकि फेज क्या है, ओमेगा इंटू टी है ना, ओमेगा तो कॉन्स्टेंट होगा, तो इसका मतलब फेज एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम डबल हुआ तो फेज एंगल भी डबल हो जाएगा। ये बात समझ आई? यस सर। ये कॉपी पे नोट कर लो कहीं साइड पे हाईलाइट करके, फेज एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फेज एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे घड़ी पे टाइम बदलता जाएगा फेज एंगल इसका बदलता जाएगा, टाइम डबल तो फेज एंगल डबल हो गया, टाइम ट्रिपल तो फेज एंगल। यहां देखो ये टाइम टी बाय टू था, तो जब टी बाय टू टाइम था तो ये है फेज एंगल ओमेगा टी, ओमेगा है 2π/T इंटू टी बाय टू, टू टू कैंसिल हो गया टी टी, तो फेज एंगल कितना हो गया पाई, तो जब टाइम कैपिटल टी हुआ तो ओमेगा इंटू टी की वैल्यू क्या होगी, 2π/T इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी कैंसिल होगा तो फेज कितना हो गया 2π, टाइम डबल हुआ तो फेज एंगल भी डबल हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो समझ आई ना ये बेसिक सबको, कोई डाउट इसमें? नो सर। इक्वेशन गिवन होगी तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस फेज जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, फेज लगातार बदल रहा है, बट आपको इक्वेशन मिल गई ओमेगा इंटू टी इज इंस्टेंटेनियस फेज, कितने टाइम पे फेज कितना होगा आप टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। साथ ही साथ जो फेज एंगल में टी का कोफिशियंट है, जो टी का कोफिशियंट है इस इक्वेशन में, वो आपको क्या वैल्यू देगा, वो आपको वैल्यू देगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो तीसरी चीज आपको क्या मिलेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? यस सर। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो वहां से फ्रीक्वेंसी खुद निकाली जा सकती है। यस सर। ओमेगा इज 2π/ν, अगर ओमेगा की वैल्यू मान लो मैंने कह दिया 500 है जी, तो न्यू क्या होगा 500/2π, और वैसे ही आपको यहां से कैपिटल टी की वैल्यू भी मिल सकती है। तो आपको इस बॉडी के मोशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई, इंस्टेंटेनियस फेज मिल गया, और पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गई, और तो और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई कि किस टाइम पे ये बॉडी कहां मिलेगी। अब समझ आया ये इक्वेशन क्या है, उस पार्टिकल का एड्रेस है, जो हमारा पार्टिकल एक जगह पे नहीं टिक रहा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये उसका एड्रेस है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो भाई अब हमें दूसरी वाली इक्वेशन भी यहां रखी है, इसको भी जरा देखते हैं। तो ये भी इक्वेशन पहले देखा, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है, अकेला साइन या अकेला कॉस है, तो ये मोशन भी कैसा होगा SHM, ये भी समझ आया यहां पे? यस। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो भी ए है, इसका भी ए था। इसका इंस्टेंटेनियस फेज कितना, ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी था। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो इसकी भी ओमेगा है, मतलब इस इक्वेशन में। तो इसका मतलब इक्वेशंस को देखें अगर हम दोनों को,
तो हमें पता चल रहा है ये दो पार्टिकल्स का मोशन सेम एम्पलीट्यूड का मोशन है, सेम टाइम पीरियड का मोशन है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मोशन है। ये चीज समझ आ रही है? यस। दोनों इक्वेशंस जिन दो पार्टिकल्स के मोशन के बारे में बता रही हैं, इक्वेशन को देख के समझ आ रहा है दोनों के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन कुछ तो फर्क होगा दोनों में, एक में साइन और एक में कॉस है, तो क्या फर्क है दोनों में ये बताओ। इनके ग्राफ से अलग बनेंगे ना। ठीक है, ग्राफ में क्या फर्क होगा बताओ। सर इंस्टेंटेनियस फेज एंगल अलग अलग होगा। देखो अभी हमने ये पिछले केस में कैलकुलेट किया था, जब टाइम जीरो है तो वाई जीरो है, टाइम टी बाय फोर है तो वाई की वैल्यू ए है, यहां फिर वाई की वैल्यू जीरो, यहां वाई की वैल्यू माइनस ए है और यहां वाई की वैल्यू फिर से जीरो, तो ये एक साइकिल हमने इस पार्टिकल के मोशन का यहां पर स्टडी किया था। अब अगर दूसरी बॉडी वाला हम स्टडी करते, इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूं इसके केस में, तो अगर टाइम जीरो होगा तो ओमेगा इंटू टी जीरो हो गया, कॉस जीरो कितना होता है One. हाँ तो वन इंटू ए, वाई की वैल्यू ए होगी जब टाइम जीरो था, टाइम टी बाय फोर था तो ओमेगा इंटू टी होता है, ओमेगा हो गया टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी बाय फोर, टी टी कैंसिल हो गया टू इंटू टू, तो एंगल हो गया, फेज एंगल हो गया पाई बाय टू। अब कॉस पाई बाय टू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वाई की वैल्यू आ गई जीरो। जब टाइम t बाय टू हुआ तो ओमेगा t की वैल्यू बन जाएगी पाई, कॉस पाई कितना होता है माइनस वन, तो यहां y की वैल्यू माइनस है, फिर 3t बाय फोर, ओमेगा t की वैल्यू 3 पाई बाय फोर, वहां पे भी कॉस फंक्शन जीरो होता तो y की वैल्यू जीरो, और फिर यहां पे y की वैल्यू a। तो इसमें भी दोनों केसेस में अगर आप देखो, हर t बाय फोर के बाद पोजिशन जीरो से a, a से फिर जीरो, फिर जीरो से माइनस a, फिर जीरो, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, a जीरो माइनस a जीरो a, बीच में जीरो आ रहा है, फिर प्लस a आ रहा है, फिर माइनस a आ रहा है, अगर मैं टाइम t बाय फोर का लैप्स लेता हूं तो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पहला पार्टिकल पोजिशन जीरो पे है तो दूसरा एक्सट्रीम पे है, मतलब ये हुआ कि ये जो ऑलरेडी मैंने यहां पे मोशन शो किया था, ये पहली वाली इक्वेशन है साइन फंक्शन वाली, इसमें टाइम जीरो पे पार्टिकल यहां है, टाइम t बाय फोर पे पार्टिकल यहां पे है, टाइम t बाय टू पे ये पार्टिकल यहां पे है, टाइम 3t बाय फोर पे यहां पे, और कैपिटल t पे यहां पे। ये समझ आ गया, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो ये बता रही थी हमें। yes. हाँ, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बता रही है, कॉस वाली इक्वेशन ये बता रही है एक्सट्रीम पोजीशन वही है जहां पहले केस में थी, फर्स्ट इक्वेशन के केस में प्लस ए और माइनस ए वो दोनों सेम होंगे, लेकिन यहां हमारे पार्टिकल ने टाइम जीरो पे जब जर्नी शुरू की है तो एक्सट्रीम पोजीशन से की है, टाइम जीरो यहां पे है, क्योंकि टाइम जीरो पे वाई की वैल्यू क्या आ रही थी ए, तो फिर टाइम टी बाय फोर पे ये यहां पहुंचा, ये टाइम टी बाय टू पे यहां पहुंचा, थ्री टी बाय फोर पे यहां पहुंचा, और टाइम कैपिटल टी पे वापिस वाई इज इक्वल टू ए पोजिशन पे पहुंच गया, तो अब जाके इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। मोशन दोनों का एक जैसा है, फर्क है रेफरेंस पोजीशन का, क्या टाइम जीरो पे ये मीन पोजीशन पे था या टाइम जीरो पे एक्सट्रीम पोजीशन पे था। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाली अगर इक्वेशन होगी तो इसका मतलब टाइम जीरो पे पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन पे, और दूसरी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, अगर कॉस वाली इक्वेशन है तो मतलब टाइम जीरो पे पार्टिकल कहां होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। समझ आइए बात। यस सर। और अगर इक्वेशन होती वाई इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी तो इसका मतलब टाइम जीरो पे, ये मैं तीसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं ग्रीन कलर से, इसका मतलब यह है कि टाइम जीरो पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे तो है बट नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, माइनस साइन है ना, फिर यहां से इधर गया टाइम टी बाय फोर, फिर यहां गया टाइम टी बाय टू, फिर यहां आ गया टाइम थ्री टी बाय फोर, और यहां इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। और अगर y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी लिखता तो उसका क्या मीनिंग होता,
साइन फंक्शन आने का मतलब टाइम जीरो पे कौन सी पोजीशन है? मीन? यस। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब पहले पॉजिटिव साइकिल ना शुरू होकर पहले नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ। ये टाइम जीरो था, टी बाय फोर पे यहां पहुंचा, फिर टी बाय टू पे यहां पहुंचा, फिर थ्री टी बाय फोर पे यहां पहुंच गया और फिर वापस कैपिटल टी पे मेन पोजीशन पे आ गया। तो नेगेटिव साइन का मतलब पहले नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हुआ, राइट? यस सर। अब आप कंफर्टेबल हुए इन इक्वेशन से, पहचान पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब आपको दोबारा रीज्वाइन करनी पड़ेगी क्लास, ये ठीक है, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा, कभी कभी आपने इक्वेशन ऐसी भी देखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई नॉट, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये कांस्टेंट होगा, ये टाइम पे डिपेंडेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज। जो इंस्टेंटेनियस फेज है, इंस्टेंटेनियस फेज जो टाइम के साथ बदल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस फेज कितना है, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मैंने बोला था ना, पूरा का पूरा एंगल वाला पार्ट है, जो साइन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल साइन या कॉस फंक्शन का, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है पूरा का पूरा इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। दिस इज इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। टाइम के साथ टी बदलेगा तो फेज एंगल बदलेगा, लेकिन अगर टी को जीरो पुट कर दूं तो फेज एंगल कितना होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो फेज एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेज इज इक्वल टू फाई नॉट और नॉट।